ये हम लोगों का आखिरी वीडियो है, ठीक है। इसमें हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे अल्कैलेलाइट की। अल्कैलेलाइट का क्लासिफिकेशन, अल्कैलेलाइट किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यही सारी चीज़ें एरिल हैलाइड के लिए हम लोग फिनिश कर चुके हैं। डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट वाला हो चुका है। आप देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिन्हें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑब्जर्वेशन में हमारे क्या क्या आ जाता है, आपका सॉल्युबिलिटी कि गिवन केमिकल या गिवन कंपाउंड वाटर के अंदर सॉल्युबल है कि नहीं है, और अगर है तो कितने एक्सटेंट तक वो सॉल्युबल है, ये वाली बात, ठीक है। और उसके बाद उस पर्टिकुलर कंपाउंड में क्या कोई कलर है, क्या उसके पास कोई स्मेल है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। फिजिकल स्टेट से मतलब कि वो जो आपके पास गिवन कंपाउंड है वो सॉलिड है, लिक्विड है, कि वो चीज़ गैस है, ठीक है। और इसके अलावा उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर है, ज़्यादा है, कम है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कमेंट करते हैं, डेंसिटी के बारे में कमेंट करते हैं। तो ये कुछ तुम्हारी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई जो ऑलमोस्ट तुम्हें हर चैप्टर में पढ़नी है, सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और उसके अलावा उसका कलर, ओडर एक्सेट्रा। तो अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल स्टेट से। फिज़िकल स्टेट के बारे में अगर हम लोग देखें तो जनरली तुम जितने भी कंपाउंड्स देखोगे, ये एक कॉमन ऑब्जर्वेशन होती है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, ठीक है, उसका फिजिकल स्टेट भी चेंज होने लगता है। जितने आप हैवी मॉलिक्यूलर मास की तरफ शिफ्ट होगे, वो वाली चीज़ आपको सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने के में से पाई जाएगी। अब जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हम पढ़ रहे हैं, तो अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, हमारे पास जो हल्के अल्काइल हैलाइड्स हैं, ठीक है, ये हल्के अल्काइल हैलाइड्स हम लोगों के क्या हो जाते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम हायर अल्काइल हैलाइड्स की तरफ शिफ्ट होगे, ठीक है, वो क्या होने लगेंगे, आपके सॉलिड स्टेट में। इसके अलावा आपके जनरली अल्काइल हैलाइड्स गैशियस फॉर्म में भी होते हैं। बस हमें ये बात थोड़ी सी याद रखनी है करके, ठीक है, कि आपका जो अल्काइल हैलाइड है, जैसे कि अगर मेरे पास ये है मिथाइल हैलाइड की बात करूँ, तो मिथाइल हैलाइड में मैं क्या क्या कॉम्बिनेशन तैयार कर सकती हूँ। CH3F तैयार हो सकता है, CH3Cl तैयार हो सकता है, CH3Br तैयार हो सकता है, और CH3I। इन सारे मिथाइल हैलाइड में ये जो तुम्हारा CH3I है, ये इकलौता, यानी कि ये आयोडोमीथेन, ये आपका इकलौता ऐसा मिथाइल हैलाइड है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये पॉइंट तुम्हें याद रखना, बाकी ये सबके सब आपके गैशियस फॉर्म वाले। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट फिजिकल स्टेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमें याद रखनी है वो ये है कि जो आपका क्लोरोइथेन होता है, ठीक है, ये क्लोरोइथेन कौन से फॉर्म में पाई जाती है, गैस के फॉर्म में। तो ये हो गई हमारी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट से रिलेटेड, कि जनरली उनके जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो आपके जो रहेंगे आपके गैशियस फॉर्म में। आप थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे लिक्विड एंड फिनल सॉलिड, उसमें से ये दो पॉइंट्स हैं याद करने के। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं कलर के बारे में। जनरली अगर मैं अल्काइल हैलाइड्स को देखूँ तो आपके जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं ये कलरलेस कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ आपके पर्टिकुलर अल्काइल हैलाइड्स अगर हम उठाते हैं जिनके पास हैलोजन के नाम पर ब्रोमाइड होता है या फिर आयोडाइड होता है, तो ये वाले जो अल्काइल हैलाइड्स है, जब मैं इनको लाइट के कॉन्टैक्ट में रखूँगी तो लाइट के कॉन्टैक्ट में आने पर ये क्या करते हैं, कलर इम्पार्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको कलर इनमें देखने को मिलेगा, अदरवाइज जनरली ये लोग क्या रहेंगे, कलरलेस कंपाउंड्स हैं। तो ये हो गया होंगे कलर्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट चीज, और इसका टेस्ट क्या, मतलब कैसा, इनका स्मेल कैसा आता है, तो इनके अंदर जो स्मेल होता है वो जनरली आपको स्वीट स्मेल दिखेगी, ठीक है, अच्छी, मतलब कोई बदबू नहीं रहेगा, ठीक स्मेल रहेगी। और उसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो इन्फॉर्मेशन है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे हम लोग इनकी डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है या मेल्टिंग पॉइंट क्या है वगैरह वगैरह, देखो। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट है, उसको हमें सीखना है, कि जैसे कि ये एक आपका मॉलिक्यूल है, जैसे ये वाला मैंने ले लिया सी एच मॉलिक्यूल, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। अब तो आपका जो ये मॉलिक्यूल है सी एच ही लगा के रखा है, तो अभी जो तुम्हारा कार्बन है,
ठीक है, ये जो कार्बन है ये वाले मॉलिक्यूल, ये पूरा सी एच फोर मॉलिक्यूल, ये वाले सी एच फोर मॉलिक्यूल के साथ इनके बीच में एक सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ये जो सर्टेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नोन एज व्हाट, वेंडरवॉल फोर्स, बराबर। अभी अगर तुमको इस मॉलिक्यूल को, मतलब उस कंपाउंड को अगर बॉइल करना है या मेल्ट करना है, तो तुम्हें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। किस काम के लिए? इन दोनों मॉलिक्यूल को ये इस तरीके से अलग अलग करने के लिए, मतलब तुम्हें वो एनर्जी जो तुम सप्लाई करोगे, वो एनर्जी सप्लाई किस काम में आएगा, उनके बीच का जो वेंडरवॉल फोर्स है, उस वेंडरवॉल फोर्स को तोड़ने के, ताकि वो मॉलिक्यूल्स आपके अलग अलग हो सकें, इस काम में वो आने वाला है। तो अभी इस केस में जितने ज़्यादा हमारे पास कार्बन की चेन होती है, ठीक है, जितनी ज़्यादा मेरे पास कार्बन की चेन होती है, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ वहाँ पे मुझे छोटे 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 कार्बन दिख सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे ये पांच कार्बन की चेन है, ठीक है। अब अगर मैं इस पांच कार्बन की चेन का ये मैं कहती हूँ एक मॉलिक्यूल है, तो ऑब्वियसली मेरे सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, अभी ऐसे और भी पांच कार्बन की चेन वाले होंगे। तो अभी देखो वेंडरवॉल फोर्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और यहाँ एग्जिस्ट करेगा। तो अगर तुम्हें, मान लेते हैं इस पूरे कंपाउंड को मेल्ट करना है या इसको बॉइल करना है, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो तुम्हें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने बॉन्ड्स ब्रेक करने पड़ रहे हैं, पाँच। तो अगर मान लेते कार्बन की चेन आपके सिर्फ चार की होती, ठीक है, सिर्फ चार ही उसके अंदर एटम्स होते, तो अब देखो कहाँ कहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक यहाँ है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ है। तो अब जब तुम्हें ब्रेक करना है, तो तुम कितने लोगों को ब्रेक कर रहे हो, सिर्फ चार वेंडरवॉल फोर्सेस को आपको ब्रेक करने की नीड पड़ रही है। तो इससे साफ साफ समझ में आ रहा है कि जितने ज़्यादा आपके कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। और अगर वेंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस है कि उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए मुझको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी इम्प्लाइज कि उस चीज़ का करस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग नियम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो वेंडरवॉल फोर्स होता है, ये वेंडरवॉल फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। जितने ज़्यादा आपके पास कार्बन एटम्स हैं, या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, ठीक है। तो इस तरीके से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ऑब्वियस है कि अगर आपके पास वेंडरवॉल फोर्स ज़्यादा है, तो वेंडरवॉल फोर्स को अगर आपको तोड़ना है, तो आपको ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, देर तक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अगर आप ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करो, तो ऑब्वियस है कि तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो वी कैन कंक्लूड डैट कि बॉइलिंग पॉइंट या फिर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मास के, या फिर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के। तो इससे बहुत ही छोटे छोटे से सवाल क्रिएट होते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया एक CH4 और एक दे दिया तुम्हें CH3Br, तो दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या अंतर है? कार्बन तो दोनों में एक ही है, तो कार्बन चेन वाला तो यहाँ पे कंसेप्ट लग ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे आपके पास एक कार्बन है और चार हाइड्रोजन है, ठीक है। अगर मैं इसका थोड़ा मॉलिक्यूलर मास का कैलकुलेशन करूँ, तो ये आ जाएगा 12+4 यानी कि 16। और यहाँ पे अगर मैं CH3Br को देखूँ, तो ये तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि CH3Br में एक हाइड्रोजन कम हो गया है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन कम होने के बदले वहाँ पर क्या आ गया है तुम लोगों के पास? ब्रोमीन आ गया है। तो अब यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो कैसा होगा? 12 कार्बन की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से 3, और ब्रोमीन का 80, ठीक है। तो यहाँ से ये वाली चीज़ आ गई आपकी 95 के करीब। तो ऑब्वियस है कि इसका मॉलिक्यूलर मास देखो बढ़ गया है। तो तुम जब भी देखोगे कि अगर मैं एक अल्केन के मॉलिक्यूलर मास को उसके आगे, अगर उस अल्केन से मैं कोई फंक्शनल ग्रुप क्रिएट कर लूँ, ठीक है, जैसे अगर मैंने CH3Br क्रिएट किया है, तो ये भी तो क्रिएट हो सकता था CH3OH, है ना। हम लोग हाइड्रोजन को हटाकर बस क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं। तो हमेशा अपने पेरेंट वाले मॉलिक्यूल से जो नए मॉलिक्यूल डिराइव हुए हैं, जिनमें से फंक्शनल ग्रुप अलग है, उनका मॉलिक्यूलर मास हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा, और इसी वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी उनके पेरेंट अल्केन से हमेशा क्या रहेगा, ज़्यादा। तो ये हो गया तुम्हारे पास पहला नियम
ये तुम्हें याद रखना है, यह हर चैप्टर में रहेगा। अच्छा, अब आते हैं पॉइंट नंबर टू में। अब देखो, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये पांच कार्बन की चेन है, ये पांच कार्बन की चेन इस तरीके से मेरे पास है। इस पांच कार्बन की चेन में अगर मुझे वैंडरवॉल फोर्सेस शो करने हैं तो मैं कहाँ शो करूँगी? एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। अगर मैं इस एन पेंटेन का एक आइसोमर ड्रॉ कर लूँ इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने एक आइसोमर ड्रॉ करके रख दिया है इसका। और अब कोई मुझे अगर पूछेगा कि मुझे इसका आपको लिखना है, क्या कहते हैं आपका, वैंडरवॉल फोर्सेस, तो तुम ये देखो यहाँ पे एक वैंडरवॉल फोर्स एक्ट कर रहा है, यहाँ वैंडरवॉल फोर्स एक्ट कर रहा है दो, यहाँ एक्ट कर रहा है तीन और यहाँ एक्ट कर रहा है चार। यानी कि पहले जहाँ पाँच के तरफ से कंट्रीब्यूशन हो रहा था, अब इस मॉलिक्यूल में कंट्रीब्यूशन कितने एटम्स का हो रहा है? चार। ठीक है, इसका एक आइसोमर हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये कार्बन ले लिया हमने एक दो तीन, ऊपर में एक और नीचे में एक, यहाँ पे अगेन तीन कार्बन ले लिए, ऊपर में एक और यहाँ पे ऐसे। अब देखो यहाँ पे एक, ठीक है, इन दोनों के बीच में और यहाँ पे, तो यानी कि इन दो मॉलिक्यूल के बीच में सिर्फ वैंडरवॉल फोर्स कितने एटम्स की वजह से है? तीन। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैं उस चेन में ब्रांचिंग क्रिएट कर रही हूँ, मेरे ब्रांचिंग की वजह से हो क्या रहा है, जो वैंडरवॉल फोर्स है वो वैंडरवॉल फोर्स क्या हो रहा है? कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, मैं कि वैंडरवॉल फोर्स क्या हो रहा है? कमज़ोर हो रहा है। तो यानी कि आपके ब्रांचिंग का वैंडरवॉल फोर्स के साथ कैसा रिलेशनशिप हो गया? अगर ब्रांचिंग ज़्यादा है तो वैंडरवॉल फोर्स कम है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप। और जो वैंडरवॉल फोर्स का तुम्हारे बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट के साथ? डायरेक्ट, जितना ज़्यादा फोर्स होगा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो देयरफॉर अगर तुम किसी कंपाउंड में ब्रांचिंग बढ़ा देते हो तो उसके ब्रांचिंग बढ़ जाने से उसका जो भी बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज। तो ये क्वेश्चन अगर इस तरीके से क्रिएट हो कि वाई द ब्रांचिंग डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट, तो उसमें हम लोगों को ये लिखना है कि ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है। ठीक है, ये सरफेस एरिया देखो कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से वैंडरवॉल फोर्स क्या होने लगते हैं? वीक होने लगते हैं। तो देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये तो मैंने जनरल उनके लिए बताया जिसमें आपका एक सादा सा अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है। अभी इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है, अगर हम अराइल हैलाइड को लें, जैसे अगर ये तुम्हारे पास एक रिंग है, यहाँ पे मैंने ऊपर लगा के रखा है सीएल, ठीक है, यहाँ पे भी लेट से मैंने लगा दिया एक सीएल, फिर ऊपर में मैंने यहाँ पे कर दिया है सीएल, यहाँ पे मैंने एक सीएल कर दिया, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कर दिया सीएल और एक बार मेटा पोजिशन पे सीएल कर दिया। तो ये पैरा, फिर ऑर्थो और मेटा, इस तरीके से हमने तीन कॉम्बिनेशन बनाए हैं। अभी इन तीन कॉम्बिनेशन में हम लोगों को एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा फैक्टर है। अब वो इम्पॉर्टेंट सा फैक्टर ये है कि यहाँ पे जैसे ऊपर वाले में केस में कह रही थी कि बॉइलिंग पॉइंट और जो मेल्टिंग पॉइंट है दोनों में एक ऐसा सेम ऑर्डर चलेगा, मतलब जो अगर ऑर्डर मैं बॉइलिंग पॉइंट के लिए सेट करूँगी वही ऑर्डर मैं मेल्टिंग पॉइंट के लिए सेट करूँगी। तो अब यहाँ पे देखो, जब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्ट करना मतलब क्या? जैसे अगर कोई मेरे पास चीज़ सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब इंटरनली उसमें क्रिस्टल पैकिंग होगी। तो पैकिंग जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, या फिर तुम ऐसा कहो कि वॉइड्स जितने कम होंगे सॉलिड स्टेट, वो वाली चीज़ उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, मतलब कठोर होगी। कठोर इन द सेंस उतनी ही अच्छे से वो पैक होगी, उसके एटम्स उसके अंदर के बहुत ही क्लोज होंगे। तो ऐसी हाई इफ़िशेंसी वाली पैकिंग को अगर तुम्हें मेल्ट करना हो तो ऑब्वियस है कि वहाँ पर तुम्हें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब हमको ये चेक करना है कि तीनों में से सबसे अच्छी पैकिंग किसकी होगी। तुम खुद यहाँ पे देखो, अज्यूम करो अगर मैं इस मॉलिक्यूल को लेकर पैकिंग क्रिएट करूँ, मतलब मुझे एटम्स बहुत क्लोज लगाने हैं, तो मैं किस तरीके से लगाऊंगी? ये ऐसे देखो, कैसे आजू बाजू ये बन रहे हैं, ये एटम्स ऐसे चिपक चिपक के रहेंगे, नीचे क्लोरीन ऊपर क्लोरीन, ये ऐसे आपस में चिपके हुए रहेंगे। मैं तो फिर भी पीछे गैप दे रही हूँ, ऐसे चिपके हुए रहेंगे, ठीक है, एकदम अच्छे से क्लोज। लेकिन अगर मैं ये ऑर्थो वाला केस ले लूँ तो ऑर्थो वाले केस में होगा क्या? क्योंकि ये जो क्लोरीन साइड से निकल रहा है, इस क्लोरीन के साइड से निकलने की वजह से जहाँ तक वो क्लोरीन का एटॉमिक साइज होगा वहाँ तक आपकी बेंजीन रिंग नहीं होगी। जैसे ही वो क्लोरीन का एटॉमिक रेंज ख़त्म होगी साइज की, फिर आपका एक नया बेंजीन रिंग जुड़ेगा। फिर अगेन ये देखो, यानी कि इससे क्या दिख रहा है, एक रिंग और दूसरे रिंग के बीच में काफ़ी डिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ये डिस्टेंस आ गया किसकी वजह से? आया डिस्टेंस इस क्लोरीन की वजह से।
ऐसा कोई डिस्टेंस तुम्हें पैरा में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, ऐसा कोई डिस्टेंस तुम्हें पैरा में देखने को नहीं मिलता। इसीलिए सबसे अच्छी पैकिंग, ठीक है, क्लोज पैकिंग आपको किस मॉलिक्यूल में देखने को मिल रही है, पैरा वाले में, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्लोज पैकिंग है, मतलब बहुत ज़्यादा आपका वेल अरेंज्ड होगा, टाइट होगा, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी मुझे किस मॉलिक्यूल को मेल्ट करने में लग जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट को ऑर्डर चलेगा पैरा, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसको लगेगा, पैरा को। तो एक ये, उसके बाद फिर ऑर्डर फॉलो होता है ऑर्थो का, और उसके बाद होता है मेटा का, ये तुम्हें याद रखना पड़ता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज़्यादा किसका होता है, पैरा का, और उसका रीज़न जस्टिफाई करते आना चाहिए, क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल्स की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही कैसी अच्छी है। और उसके बाद यहाँ पर जो आप लोगों के पास ये है ऑर्थो और मेटा, इस ऑर्थो और या मेटा में एफिशिएंसी उसके वजह से अच्छी नहीं है, ठीक है, तो उसका कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा एक्सेप्शन है कि बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या यही वाला ऑर्डर फॉलो होगा क्या, नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट में देखो ये ऑर्डर फॉलो नहीं होता है, ये बहुत ही माइनर सी चीज़ है, इसको थोड़ा नोट डाउन करना है। बॉइलिंग पॉइंट के केस में ये ऑर्थो वाली चीज़ आगे हो जाती है, पैरा पीछे हो जाता है, और मैटा इस तरीके से पीछे, तो ये वाला दोनों ऑर्डर तुम्हें याद होने चाहिए, ठीक है। तो हमने अभी किस किस चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया, फिजिकल स्टेट हमारा हो चुका है, कलर हो चुका है, स्मेल के बारे में हो चुका है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे, यानी कि चेन जितनी ज़्यादा कार्बन एटम से भरी हुई होगी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर मान लेते केस इस तरीके से मैं दे दूँ कि तुम्हारे पास 5 कार्बन की चेन है, और एक केस में ऐसा दे दूँ 4 कार्बन और इधर, और एक ऐसा देखो, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो देखो यहाँ पे हर जगह 5 ही हैं। फिर किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होता जाएगा, तो यानी कि सबसे कम इसका होगा और सबसे ज़्यादा आपके एन पेंटेन का होगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कार्बन मैंने सेम रखा, लेट से मैंने रखा CH3Br और CH3I के वर्सेस में, तो कार्बन भी वही है, ब्रांचिंग भी नहीं है, सब कुछ सेम है, तो फिर मॉलिक्यूलर मास को चेक करना, ठीक है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास ऑब्वियस है, आयोडीन की वजह से इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट भी इसी का ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम लोग मूव करते हैं, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो तुम्हारी डेंसिटी से रिलेटेड है, ये फैक्चुअल डाटा है, इसको हमें याद रखना है कि जो तुम्हारा फ्लोरीन और क्लोरीन, यानी कि फ्लोराइड और क्लोराइड से जो, मतलब जिन हैलाइड्स में, जिन अल्काइल हैलाइड्स में फ्लोरीन या क्लोरीन होंगे, वो आपके पानी से कम डेंसर होते हैं, ठीक है, और पानी से उनकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। लेकिन अगर ऐसे आपने अल्काइल हैलाइड्स यूज़ किए जिनमें ब्रोमीन या आयोडीन है, तो उनकी जो डेंसिटी है वो क्या हो जाती है, पानी से ज़्यादा हो जाती है। तो दो इनमें से पानी से हल्के हैं और दो इनमें पानी से क्या हैं, आपके भारी हैं, ये एक ऑर्डर, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट वाला एक पार्ट करना है, वो नेक्स्ट वाला पार्ट है हम लोगों का आखिरी, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी वर्ड के बारे में जब जब बातचीत होगी, तो सॉल्युबिलिटी वर्ड का एक ही मतलब है कि वो गिवन केमिकल या वो गिवन कंपाउंड पानी में कितना ज़्यादा सॉल्युबल है। हमेशा हम पानी के रिस्पेक्ट में सोचेंगे उसमें, ठीक है, कभी इसके रिस्पेक्ट में नहीं सोचेंगे कि इथेनॉल में डालना है, ईथर में डालना है, कि एसिड में डालना है, हम लोग पानी में उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। तो अब तुम ये देखो कि होता कैसा है, अगर मान लेते हैं आपके किसी भी कंपाउंड को, जैसे मान लेते हैं कंपाउंड ए है, इस कंपाउंड ए को इस वाटर में सॉल्युबल होना है, तो सॉल्युबल होने के लिए जो क्राइटेरिया है वो ये है कि ए शुड फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल और ए के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। अगर वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी उन दोनों के बीच में, ठीक है, तो वो उसके अंदर सॉल्युबल हो जाएगा। कुछ केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है तो वो बहुत हाईली सॉल्युबल होते हैं, किसी केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी भी नहीं बनती तो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, और जिनके इसे बनती ही नहीं है वो लोग फिर कम्प्लीटली इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो अब अल्काइल हैलाइड्स पे डिस्कस करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स के बारे में ये मान लेते हैं मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड CH3F। अभी इमेजिन करो मेरे पास अगर एक अल्काइल हैलाइड की बॉटल होती, तो अल्काइल हैलाइड की बॉटल में ये कार्बन जो है इसे पार्शियल पॉजिटिव होता, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो अभी तुम ये देखना, ये जो दो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नंबर 1 एंड मॉलिक्यूल नंबर 2, इन मॉलिक्यूल नंबर 1 और मॉलिक्यूल नंबर 2 के बीच में भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, किसकी वजह से, डाइपोल्स की वजह से, ठीक है। तो इसे हम लोग कौन सा वाला अट्रैक्शन कहते हैं,
डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, तो इनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, ठीक है। हमको इस अल्काइल हैलाइड को पानी में डालना है, तो पहले पानी की भी सिचुएशन देख लेते हैं। ये हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ये मान लेते हैं आपके पास वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल, इसमें यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। अब होता कैसा है कि इन दोनों के बीच में भी देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन ये वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। जब हमने उनको आपस में मिक्स नहीं किया, तो मिक्स करने से पहले दो अल्काइल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होता है, ठीक है। जो पानी होता है वाटर, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये दोनों ही इंटरैक्शंस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ये अल्काइल हैलाइड है इस वाटर में सोल्यूबल हो जाए, तो पानी के साथ अल्काइल हैलाइड को क्या फॉर्म करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करनी पड़ेगी। ये न्यू बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए इनके बीच में, ठीक है। ये न्यू बॉन्ड वहाँ पे क्या होना चाहिए, फॉर्म होना चाहिए। तो ऑब्वियस है कि अगर तुम्हें न्यू बॉन्ड फॉर्म करना है, तो तुम्हें ओल्ड बॉन्ड्स को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि तुम्हें यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज़्यादा हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से तुम्हें इनको ब्रेक करने के लिए, ठीक है, ताकि ये इसके साथ न्यू बॉन्ड फॉर्म कर ले, तो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक होने चाहिए। तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ताकि अगर तुम वो एनर्जी दोगे, तो वो एनर्जी देने से अल्काइल हैलाइड्स के बीच का अट्रैक्शन और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को हम लोग क्या कर सकें, ब्रेक कर सकें, ठीक है। ये वाला काम हमें चाहिए होगा, लेकिन अभी इसके लिए मुझको एनर्जी मिलेगी कहाँ से, ठीक है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसके लिए मुझे एनर्जी मिलेगी कहाँ से। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि उसमें अपन हीट देके करते हैं, तो देखो सॉल्युबिलिटी जो है वो कभी भी अगर चेक करनी हो, तो सबसे पहले अपन उसे कोल्ड कंडीशन में चेक करते हैं। हीट देने से तो बहुत सारी चीज़ें सॉल्युबल हो जाती हैं, बट अगर हीट नहीं सप्लाई की जाए तो क्या वो सॉल्युबल है क्या, ठीक है। तो ऐसा हमें देखना है। लेकिन तो ऐसे में एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहाँ से आएगी। ऑब्वियस है कि जब ये न्यू बॉन्ड फॉर्म, इमेजिन अगर इन दोनों के बीच में एक न्यू बॉन्ड फॉर्म होगा, तो जो न्यू बॉन्ड जो फॉर्म होता है, वो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और अगर ये जो एनर्जी रिलीज हुई, लेट्स से यहाँ से जो एनर्जी रिलीज हुई ई, इस ई अमाउंट की एनर्जी को फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा लेस क्वांटिटी में रिलीज़ होती है कि वो आपका ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटते ही नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती। तो इसीलिए वो वाली चीज़ जो है उसमें क्या है, सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि उन लोगों का जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है और हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आपके अल्काइल हैलाइड को वाटर के साथ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिलती नहीं है, वो सफिशिएंट नहीं होती। इसीलिए अल्काइल हैलाइड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता, और इसीलिए वो सॉल्युबल नहीं है। ये इतना फेमस क्वेश्चन है, और बल्कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने अभी तक कैसा सीखा है बचपन से या जब से केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब अगर कोई चीज़ पोलर है, तो वो एक पोलर में ही डिजॉल्व होगी, जैसे कि तुम्हारा नमक और पानी। और अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है, तो वो एक नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगी। तुम अगर पानी में तेल डिजॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो वो नहीं होता है। तो पानी तो पोलर है बराबर, और अल्काइल हैलाइड भी पोलर है। कैसे पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्जेस हैं वहाँ पर। तो अल्काइल हैलाइड पोलर होने के बावजूद भी तुम्हारे क्या कहते हैं, वाटर जो कि ऑलरेडी पोलर है, उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाया, ठीक है, उसमें डिजॉल्व नहीं हो पाया। तो ये एक एक्सेप्शन है कि जैसा हम बोलते हैं ना, पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर। तो अल्काइल हैलाइड ये आपका पोलर था, जो तुम्हारा वाटर था ये भी पोलर था। तो पोलर को पोलर के अंदर डिजॉल्व होना चाहिए, सोल्यूबल होना चाहिए, बट यहाँ पर ये सोल्यूबल नहीं हुए। तो इसके ऊपर गिव रीज़न भी आता है कि एक्सप्लेन वाई अल्काइल हैलाइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। तो उसका सीधा सीधा हमें आंसर क्या देना है कि अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं कर पाते हैं, देयरफॉर दे आर इनसोल्यूबल। अगर किसी चीज़ को सोल्यूबल होना है, तो ये ज़रूरी है कि उस चीज़ ने पानी के साथ क्या बना लेनी चाहिए,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनानी चाहिए, ठीक है। तो ये तुम्हारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में था। इसमें सॉल्युबिलिटी की इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के रूल्स तुम्हारे इंपॉर्टेंट हैं, और वो जो अपन ने ऑर्थो पैरामीटर वाला किया है वो इंपॉर्टेंट है बस। बाकी कलर्स वगैरह तुम्हें याद करने की कोई नीड नहीं है। हाँ, बट इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए कि फ्लोराइड्स और क्लोराइड तो हर केस में कलरलेस रहेंगे, लेकिन जो आपके ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं, अगर इन लोगों को लाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज किया जाए तो ये लोग फिर कलर इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है।